साथ बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, देश के जवानों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, अगली बस की वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, अगली बस की वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, सुनाई पार्टी जिंदाबाद, तुम्हारी मायावती जी जिंदाबाद, उनके फिजिकल टेस्ट पास किए थे, रिटर्न टेस्ट पास किए हुए थे, जो बेचारे अपने सिलेक्शन ऑर्डर को वेट कर रहे थे, लेकिन जब बीजेपी सरकार फेल हो गई कि उन लोगों को, चाहे वो आर्मड फोर्सेस थे, बेल्ट फोर्सेस थी या बाकी डिपार्टमेंट्स में जितनी भी भर्तियां थी, उन्होंने ऑल ऑफ सडन कैंसिल कर दी, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये नौजवान अब जब ये फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं तो ये नौकरी मांगेंगे, इसलिए उन्होंने उनकी तवज्जो को दूसरे डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने फौरी तौर पर एक अग्निपथ योजना के तहत एक ऐसी स्कीम निकाल दी जिससे लोगों में आपस में ज्यादा शोर मचा। और आपस में देखिए, पूरे हिंदुस्तान में ये जो आगजनी हो रही है, लाठियां बरसाई जा रही हैं, नौजवानों को तंग किया जा रहा है, हजारों की तादाद में FIR लगाई जा रही है, तो उसकी सूरत में ये बिल्कुल एंटी जो इनकी मूव है लोकतंत्र के खिलाफ, नौजवानों को तंग करना, लोगों के साथ बीजेपी सरकार का चेहरा जो है, जो आज तक ये झूठ सच के सहारे अपनी सत्ता में बैठे हुए थे और तरह तरह के झूठे नौजवानों को गुमराह करके ये सत्ता में आ जाते थे, आज का नौजवान जो है वो जाग उठा है, वो बीजेपी सरकार के खोखले वादों के बारे में जान चुका है। अब आपकी डिमांड क्या है? हम चाहते हैं कि ये जो स्कीम है इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के साथ भी एक खिलवाड़ है, और नौजवान जिनको 4 साल नौकरी देके घर में बिठाना है वो तो बेचारे ओवर एज हो जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, उनके साथ ये बहुत बड़ा मजाक है, इसलिए ये मुझे फौरी तौर पर वापस की जाए।